फ्रेंड्स, वेलकम टू मैबू क्लासेस। तो मैबू क्लासेस में जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश में अपना टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने आपको हिंदी का टॉपिक के लिए बोला था, ठीक है। हिंदी में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ जिसमें हमने किया था शब्दों का वर्गीकरण व्याकरणिक आधार पर, जैसे कि आप ऊपर टॉपिक जो है वो देख भी सकते हो, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण कर रहे थे हम व्याकरणिक आधार पर, और उसमें मैंने आपको बताया था व्याकरणिक आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम दो भागों में कर सकते हैं, विकारी और अविकारी। वैसे व्याकरणिक, वैसे विकारी और अविकारी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको अविकारी स्टार्ट करवा दिया था, ठीक है, और उसमें मैंने आपको अविकारी में पांच बताए थे कि अविकारी पांच होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो क्रिया विशेषण का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम बाकी के टॉपिक करेंगे अपने, ठीक है। जैसे जो भी बचेगा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। बट उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ जो है वाक्य दिए थे जिसमें आपको आंसर सुन के लिखने थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण के जो है मैंने आपको दिए थे सेंटेंस जिसमें से आपको भेद बताने थे उनके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है उन क्वेश्चंस के आंसर्स जिन्हें आप जो है अपने स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फर्स्ट वीडियो के रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको ये जो मैं रिवीजन करवाती हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। मैंने अभी मैबू क्लासेस में हिंदी में एक ही वीडियो डाली है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको हिंदी के सब्जेक्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं आपको पहले एक बार रिवीजन करवा देती हूँ पिछली वीडियो का, ताकि आपको एकदम से अलग ना लगे, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि हम कर रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण व्याकरणिक आधार पर, ठीक है। तो व्याकरणिक आधार पर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि व्याकरणिक आधार पर शब्दों का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, शब्दों को, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी जिसमें जो है आपके चार आते हैं विकारी शब्द, सबसे पहले तो क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, वे विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे इनमें चार आते हैं संज्ञा, संनाम, विशेषण व क्रिया, ओके। वैसे व्याकरणिक, वैसे विकारी, अविकारी, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, दो ही होते हैं। और अविकारी वो होता है अ, यानी कि नहीं, जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें आपके पांच आते हैं, ठीक है। तो विकारी आपके चार हैं, आप ध्यान रख सकते हो, संज्ञा, संज्ञा, विशेषण व क्रिया, और अविकारी शब्द आपके पांच हैं, क्रिया विशेषण, फिर मैंने आपको बताया था दो स से हैं, ठीक है, या फिर बोधक, बोधक वाले भी आप ध्यान में रख सकते हो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो इसमें मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्रिया विशेषण की करवा चुकी थी अपनी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपके पांच हैं, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो क्रिया विशेषण मैं आपको करवा दिया था, जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जो इसके भेद होते हैं वो चार होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भेदों का क्या तरीका है कि आप खाने का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो खाना जैसे कि मान लो आप कैसे खा रहे हो, तो रीतिवाचक हो गया, हाथ से खा रहे हो, चम्मच से खा रहे हो, ठीक है, कैसे खा रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे खा रहे हो, ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो है कितना खा रहे हो, एक प्लेट भर के खा रहे हो, ठीक है, कितना खा रहे हो, जैसे मान लो दूध पी रहे हो तो दो किलो दूध पी रहे हो, एक किलो दूध पी रहे हो, ठीक हो, ठीक है। तो कोई भी क्रिया ले सकते हो। तो मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया था कि आप खाने का लोगे, ठीक है। तो रीतिवाचक में कैसे खा रहे हो, ठीक है, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, शाम में खा रहे हो, ठीक है। अब जो इसमें टाइम की बात आते हैं, कालवाचक जिसके आप देख ही सकते हो, ठीक है। और एक चौथा भेद होता है इसका स्थानवाचक, कि आप कहाँ बैठ के खा रहे हो, ऊपर खा रहे हो, नीचे खा रहे हो, उस वाले कमरे में खा रहे हो, कौन से वाले कमरे में खा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है स्थानवाचक, ठीक है, दिल्ली में खा रहे हो, गुड़गांव में खा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के जो है चार भेद होते हैं, रीतिवाचक, कोई भी एक एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हो, और ये आप जो है भेद जो है उसके निकाल सकते हो अपने आप में, ठीक है। ये कोई भी क्रिया है वो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कब कब करनी है, ठीक है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कितनी मात्रा में करनी है। तो यही चार भेद हैं इसके, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण में डिटेल में एग्जांपल्स के साथ आपको दे चुकी थी, ठीक है। तो आप वो जो है अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी क्रिया विशेषण के बाद, आज जो हम करेंगे बाकी के चार करेंगे, ताकि हमारा अविकारी शब्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले वो है संबंध बोधक शब्द, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक संबंध बोधक। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संबंध बोधक शब्द की, ठीक है। तो संबंध बोधक जो शब्द हैं उनको हम इंग्लिश में पोस्ट पोजिशन भी बोलते हैं, जैसे प्रीपोजिशन होता है ना इंग्लिश में, ऐसे ही संबंध बोधक को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट पोजिशन, ठीक है, जो बाद में आते हैं, पोस्ट का मतलब बाद होता है, ठीक है।
प्री का मतलब पहले, तो यहाँ पे संबंध बोधक का मतलब पोस्ट पोजिशन इंग्लिश में, ठीक है। तो जो जो अव्यय, अब आप बोलोगे कि अव्यय कहाँ से आ गया, जो अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको ये करवाऊंगी, जैसे क्रिया विशेषण में आपको करा चुकी हूँ संबंध बोधक, उसके बाद मैं समुच्चय बोधक करवाऊंगी, ठीक है, फिर विस्मयादि बोधक, फिर निपात करवाऊंगी, तो ये सारे अविकारी होने के साथ साथ इनको हम अव्यय भी बोलते हैं, ठीक है। तो अव्यय और अविकारी इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है, ठीक है। तो चाहे आप दो जो शब्द लिख दो या फिर जो अव्यय लिख दो, वो एक ही बात है। तो जो अव्यय, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, मतलब जो भी सेंटेंस में, जो भी वाक्य में हमारा संज्ञा या सर्वनाम आता है स्टार्टिंग में, उसके बाद जो लगते हैं, ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका संबंध, ठीक है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें हम जो है संबंध बोधक शब्द बोलते हैं। इसके नाम से पता चला, देखो, जो संबंध बताते हैं, ठीक है, यानी कि जो पहले वाक्य में संज्ञा सर्वनाम आते हैं उनका संबंध जोड़ने का काम करते हैं बाकी सेंटेंस के साथ, ठीक है, तो उनको हम संबंध बोधक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका संबंध उसी वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संबंध। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे अब ज्यादातर इसमें इसकी पहचान क्या होती है, जैसे आपको पेपर में आएगा कि इसमें संबंध बोधक शब्द छाटो, तो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो के वाले होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है, के वाले, से वाले भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, के बाद, के ऊपर, ठीक है, जैसे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, तो इसमें पेड़ था, ठीक है, पेड़ क्या है आपका, संज्ञा है, ओके। अब पेड़ के ऊपर, अब लग गया ना, के ऊपर, ठीक है, चिड़िया, अब चिड़िया भी एक संज्ञा है, ठीक है, तो इसने क्या किया, के ऊपर ने क्या किया, पेड़ का संबंध चिड़िया के साथ बना दिया, ठीक है, वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, संबंध बोधक, ठीक है, कि इसके लगने के बाद जो वाक्य के प्रारंभ में जो भी संज्ञा सर्वनाम आते हैं, ठीक है, तो उसका संबंध जो है वो लास्ट वाले से वो जोड़ देते हैं, आगे जो भी आगे आगे वाक्य में आएंगे संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। जैसे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, तो के ऊपर ने क्या किया, पेड़ और चिड़िया का संबंध जोड़ दिया, ठीक है। तो के बाद, के ऊपर, के भीतर, के कारण, ठीक है, की ओर, की तरफ, से पहले, ठीक है, या दिनेश से पहले, या उससे पहले, ऐसे इस टाइप के आएंगे इसमें, के विरुद्ध, ठीक है, के अनुसार, की खातिर, जैसे देश की खातिर सैनिक अपना बलिदान दे देते हैं, ठीक है, तो देश की खातिर सैनिक, तो इनका संबंध जोड़ दिया आपने देश और सैनिक का, ठीक है, तो की खातिर, के लिए, इसमें पर्यंत भी आता है, जैसे जीवन पर्यंत, ठीक है, तो पर्यंत भी आता है, कुछ भी आ सकता है इसमें, मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं, ज्यादातर के वाले होते हैं, ये पेपर में ज्यादातर ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, आप समझ जाओगे, से पहले भी हो सकता है, के विरुद्ध, के लिए, की खातिर, के अनुसार, ठीक है। तो ये थे आपके संबंध बोधक शब्द, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो शब्द जो है संज्ञा सर्वनाम के बाद लग के उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं, उनको हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं, और ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक शब्द की, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द को हम योजक भी बोलते हैं, ठीक है। योजक का मतलब होता है योग, मतलब जो जोड़ते हैं, ठीक है। इनको समुच्चय बोधक बोलो या योजक बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो समुच्चय बोधक को हम कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि समुच्चय बोधक हिंदी में होते क्या है, ठीक है। तो कंजक्शन काम ये होता है कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, ठीक है, यही काम समुच्चय बोधक का हिंदी में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अव्यय, ठीक है, इसको भी हम अव्यय बोलेंगे, आपको बता दूं, जो शब्द बोल दो या जो अव्यय बोल दो, ठीक है। तो जो अव्यय दो पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में संयोजित करते हैं, संयोजित मतलब जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि जो शब्द या जो अव्यय दो पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे पदबंध क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको डिटेल में पद वाला टॉपिक करूंगी, जब जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अभी रेसेंट के लिए थोड़ा सा जानना है तो आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, वह घर जाता है, ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। अब वाक्य जो आपको पता चल गया, वाक्य क्या है, ये तो आपको पहले से ही पता है, वह घर जाता है एक वाक्य है, ठीक है। वाक्य में वह घर जाता है, इसमें आपको चार शब्द मिलेंगे, लेकिन वाक्य में होने के कारण हमको शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें चार पद हैं, वह एक अलग से पद है, घर एक अलग से पद है, जाता एक अलग से पद है, और है एक अलग से पद है, ठीक है। तो इसमें हम वाक्य में हम शब्दों को शब्द ना बोल के पद बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पदबंध, ठीक है, मतलब पद की मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उपवाक्य जैसे मान लो दो सेंटेंस है, वह आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। तो वह आज नहीं आएगा, ये एक वाक्य है,
क्योंकि आपका हो गया समुच्चय बोधक, ठीक है, वह बीमार है, ठीक है, जो इसमें दो वाक्य हैं तो उनको हम दो अलग अलग वाक्य ना बोल के उपवाक्य बोलेंगे, ठीक है। जो उपवाक्य अलग रूपी करेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि पद क्या होते हैं, कि वाक्य में जो भी शब्द होते हैं उनको हम शब्द ना बोल के पद बोलते हैं, ठीक है। उपवाक्य क्या होते हैं, जो एक वाक्य के अंदर दो वाक्य आते हैं, ठीक है, उनको हम उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है। और वाक्य आपको पता ही है क्या होता है। तो समुच्चय बोधक क्या करते हैं, जो अव्यय दो पदबंधों, दो उपवाक्यों या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं या फिर योजक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको, जैसे किंतु, यद्यपि, दो सेंटेंस को हम दो वाक्यों को ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। किंतु, यद्यपि, तथापि, कि, क्योंकि, इसलिए, और, एवं, या, अथवा, अन्यथा, अतः, बल्कि, फलतः, मगर, आदि, ठीक है। तो अगर इसमें अभिकार में अगर आपके जो है एग्जाम्पल बनते हैं, एग्जाम्पल आपके ये हैं जितने मैक्सिमम हो सकते थे मैंने आपको दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। और बाकी अगर इसमें क्वेश्चन बनता है तो उसमें यही आएगा कि इसमें से जो है समुच्चय बोधक शब्द छाटो, संबंध बोधक शब्द छाटो, विस्मयादि बोधक शब्द छाटो, निपात छाटो, ठीक है। और क्या ये विकारी है या अविकारी है, मतलब इस टाइप के। ओके, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि व्याकरण के तात्पर्य शब्दों को जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए व्याकरणिक वस विकारी, वसे विकारी और अविकारी, ठीक है। तो ऐसे तो ये था आपका समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। तो वह इसमें जैसे मान लो इसलिए में कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, वह कल नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आप उसका इंतजार मत करो, ठीक है। तो कुछ भी आप बना सकते हो, और आप चाय लेंगे या कॉफी, ठीक है, तो इसमें यह वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके समुच्चय बोधक शब्द। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने विस्मयादि बोधक शब्द। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम विस्मयादि बोधक शब्द की, ठीक है। विस्मयादि बोधक को हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिन जिनके बाद में हम एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, जो विस्मय यानी कि आश्चर्य पैदा करते हैं, ठीक है। जरूर नहीं आश्चर्य, उसमें शोक, घृणा, अगर मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये जो है काफी चीजें बताते हैं हमें। तो विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं, जो अव्यय या जो शब्द, ठीक है, जो अव्यय, हर्ष मतलब खुशी, शोक थोड़ा दुख, जो शोक क्या होता है दुख, अगर इसमें मैं दो मात्रा लगा दूंगी तो फिर वो फन वाला हो जाएगा शोक, ठीक है। तो इसमें एक ही मात्रा है, हर्ष, शोक, विस्मय यानी कि आश्चर्य, व्यथा, व्यथा भी दुख होता है, ठीक है। घृणा आदि मनोभाव जो भी हमारे मन के भाव होते हैं उनको जो प्रकट करते हैं उसको हम विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो, ठीक है। तो जो अव्यय, हर्ष, शोक, विस्मय, व्यथा, घृणा आदि मनोभावों के उद्गार प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे भी दिया है, जैसे अरे, ठीक है, तुम थोड़ा धीरे चलो, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम। हे, क्या, वाह, क्या खूब, शाबाश, बच्चों को हम बोलते रहते हैं शाबाश, अच्छा किया तुमने, ठीक है। हाय, ओफ, हे राम, छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर, आदि, ठीक है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इनको पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे वाक्य में बोलेंगे इसमें से विस्मयादि बोधक शब्द छाटो, तो जो भी विस्मयादि बोधक शब्द होता है उसके लास्ट में आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये संबोधन का चिन्ह आपको मिलेगा, ठीक है, उन जो है वाक्यों में। तो आपको छाटना आसान हो जाएगा कि हाँ, वैसे तो हम अरे ये देखते भी हम समझ जाते हैं, लेकिन ये एक कंपल्सरी चीज होती है कि उसमें ये वाला साइन तो मिलेगा ही, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं उसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। इन शब्दों के साथ इस संबोधन का चिन्ह लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये थे हमारे विस्मयादि बोधक शब्द। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट अविकारी शब्द पर, निपात। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम निपात की, ठीक है। जो निपात होता है वो हमें दूर से पता चल जाता है क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं। बाकी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ, डेफिनेशन बताती हूँ उसकी, ठीक है। निपात क्या होते हैं, जिनसे बलाघात उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कोई भी वाक्य होता है जिसमें हम बल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, कोई किसी बात पर जोर देने के लिए, बलाघात का मतलब जोर देने के लिए, ठीक है, ताकि वो चीज हमारी मानी जाए, ठीक है। जैसे मैं ही जाऊंगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि और कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगा, ठीक है, या मैं ही जाऊंगी, तो हमने ही लगा दिया इस बात को जो है इस बात पर जोर देने के लिए कि केवल वहां पर मैं ही जा सकता हूँ या मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते ही रहते हैं, जिससे जो है जिनको हम निपात बोलते हैं, ठीक है। तो जिनसे बलाघात उत्पन्न होता है वह जिससे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं ही जाऊंगा, तो इसमें और कोई नहीं जा सकता, ठीक है, मैं ही जाऊंगा बस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इससे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब वो खाली अगर ये बोल देता मैं जाऊंगा तो हो सकता है कोई और भी तैयार हो जाता है उसके साथ जाने के लिए, ठीक है, मैं जाऊंगा। या फिर ये भी हो सकता था कि वो ये बोल रहा है कोई और बंदे जो है उसके साथ जा रहे हैं तो बोल रहा है मैं जाऊंगा, ठीक है। तो
चीज, तो इससे क्या होता है कि जिससे सेंटेंस में जो है वाक्य में बलाघात उत्पन्न होता है, ठीक है, जोर उत्पन्न होता है, किसी बात को जोर देने के लिए हम इनको यूज करते हैं, और जिससे वाक्य के अर्थ में टोटली चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उनको हम निपात बोलते हैं। ठीक है, ये भी अव्यय होते हैं, इनमें जो है लिंग वचन काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ये वाले शब्द ले आपको, मात्र, तो, भी, तक, ही, केवल, सिर्फ आदि, ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि ये वाले शब्द जहां भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जो जोर देने के लिए उत्पन्न होते हैं उनको हम निपात बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको सिर्फ का, तो सिर्फ में क्या है कि तुम सिर्फ चाय पियो, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें खाना नहीं खाना। ठीक है, तो ऐसे भी आप मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको जो है प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी वाक्य, उसमें आप छाटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि निपात कौन सा है, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और एक इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसमें क्या है कि एक वाक्य में दो निपात आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस हमारा गलत होता है, और ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कई बार सेंटेंस को बोलते हैं इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखो कि एक वाक्य में दो निपात तो आ सकते हैं, जैसे जो है आप कई बार ऐसे वाक्य बोल देते हो जिसमें दो निपात का यूज होता है। ठीक है, तो एक वाक्य में दो निपात आ सकते हैं, लेकिन एक ही अक्षर के इर्द गिर्द नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही अक्षर के इर्द गिर्द आप नहीं कर सकते। इसमें मैंने लिखा है एग्जाम्पल केवल मैं ही, तो मैं एक अक्षर है, ठीक है, ये दोनों निपात है, केवल और ही, आप देख सकते हो। ठीक है, केवल और ही ये निपात है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो आप सेंटेंस में कुछ भी लगा सकते हो, केवल और ही आ सकते हैं, एक वाक्य में दो बार आ सकते हैं, लेकिन वो एक ही अक्षर के इर्द गिर्द नहीं आ सकते। ठीक है, तो आप जो सेंटेंस उसको कहीं भी यूज करो, बट एक अक्षर के इधर उधर यूज मत करो। ठीक है, वरना आपको सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा निपात। तो अब जो है मैं आपको कुछ वाक्य दे देती हूँ जिसमें आपको अव्ययीकारक शब्द छांटने होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने आपको कुछ वाक्य दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो आज हमने टॉपिक किया है। ठीक है, अव्ययीकारक शब्द का जो मैंने आपको चार पार्ट करवाए हैं, उसके संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो उनके यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, इसे मैंने देखो आप देख सकते हो अंडरलाइन भी कर दिया है। आपको आपका काम बस इतना है, आंसर्स में आपको ये लिखना है कि ये अव्ययीकारक शब्द का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो जो है आज जो हमने किया क्रिया विशेषण का मैंने इसमें नहीं किया, क्योंकि क्रिया विशेषण के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको जो है फर्स्ट वीडियो में दे दिए थे। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है इसमें कि ये अव्ययीकारक का कौन सा पार्ट है। ठीक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है और निपात है। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इसमें आप बताओगे। ठीक है, अब एक ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें जो के लिए है, ठीक है, ये आपका संबंध बोधक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था संबंध बोधक में क्या होता है, के लिए होता है, बट उसमें क्या होता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम जो है वो वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताते हैं। ये संज्ञा इसके बीच में आया है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ इर्द गिर्द कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, जैसे मैंने आपको पहले ही हमें डायरेक्ट कर दिया, इसमें आपको ये बताना है कि मात्र कौन सा जो है अव्ययीकारक शब्द है। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको शब्दों का वर्गीकरण ही करवाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको अव्ययीकारक शब्द ही कंप्लीट करवाया है, अभी हमारे विकारी शब्द जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।